हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज आपके लिए एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट लेके आया हूं। प्रोजेक्ट का नाम सिग्नेचर ग्लोबल सुपरबिया है, सेक्टर 95 के अंदर लोकेटेड है। अभी रिसेंट में इसके अंदर 2 BHK की यूनिट्स भी आई थी। अभी फिलहाल अवेलेबिलिटी है या नहीं है उसके लिए कॉल कर लेना। अपडेट ये है कि हमने इसकी स्पेशल कम्युनिटी बना दी है, तो अगर आप सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो है आप अपडेट चाहते हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम साइट पे चलते हैं और देखते हैं कि कितना क्या काम सिग्नेचर ग्रुप ने उस अफोर्डेबल के ऊपर कर दिया है, कितना क्या हो गया है। आप मुझे ये बताना कि आपको कैसी लग रही है, स्पीड फास्टली चल रही है या स्लो चल रही है, तो आप मुझे ये जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं साइट पे और देख लेते हैं कि कितना क्या काम इन्होंने कर दिया है। तो गाइज, आई होप आपको सिग्नेचर ग्लोबल सुपरबिया की कंस्ट्रक्शन अपडेट समझ आई होगी। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, चीजें समझ नहीं आई, तो उसके लिए आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर लेना, अवेलेबिलिटी जाननी हो तो भी। और यही नहीं, अगर किसी अनदर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी सजेशन चाहते हो, साइट विजिट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप हमें हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। तो गाइज, बस इस वीडियो में इतना ही था इन्फॉर्मेशन। आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस हम आगे भी लेके आते रहेंगे। आपके काम की चीजें जो है आगे अभी हम ऐसे ही आपको जो है देते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लीजिए, चाहे कॉमन कर लीजिए, चाहे स्पेशल प्रोजेक्ट की जो बना रखी है उसको कर लीजिए। अगर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो तो प्रोजेक्ट वाली करो, और अगर गुड़गांव के इन्वेस्टर हो तो फिर आपको कॉमन करनी चाहिए। तो गाइज, बस अब जो है यही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।